I am Yash Pandit, the director of Pandit Commerce Classes. Welcome you all to our channel Economic Panda. So today we are going to discuss about the third method of national income. In last two videos we have completed first and the second method, that is income method and expenditure method. So going forward, it is a humble request to all of you that please go and watch the first and second part of national income if you are new to our channel. So start karte hain aage, chaliye dekhiye beta. वैल्यू एडेड मेथड आपका तीसरा मेथड है. इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू के बेसिस से किस तरीके से आप कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको वैल्यू एडेड मेथड में जो चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो कहलाती है वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है, पहला है प्राइस इंटू क्वांटिटी. बेटा प्राइस और क्वांटिटी का इंटू कर दो तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाता है. तीसरा मेथड कहता है, इसी का दूसरा मेथड सॉरी, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक. क्या बेटा, अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी नहीं दी गई है तो आप यूज करेंगे सेल्स और चेंज इन स्टॉक. इस तरीके से आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगी. बेटा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो चार नंबर का एक क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है, जिसमें आपसे कुछ नहीं सिर्फ एक चीज कही जाती है कि फाइंड आउट करके दिखाओ जीबीएमपी. क्या जीबीएमपी, एनबीएमपी, वो सब बात की. पहले बेटा कन्वर्जन तो आप कर ही लेंगे. सबसे पहले एक बेसिक चीज सीखो जीवीएमपी, मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सेकंड चीज है जो इस मेथड में आपको कैलकुलेट करनी होगी, जीवीएमपी का मेथड है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. मन में सवाल, सर जी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? तो बेटा जो भी रॉ मटेरियल, क्या बोल रहा हूं, जो भी रॉ मटेरियल कोई फर्म अगर कंज्यूम करती है किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए, एज वी ऑल नो आउटपुट नीड इनपुट. अगर इनपुट डालेंगे तभी आउटपुट निकलेगा. तो जो इनपुट आप यूज करते हो किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, वही है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन. कोई इशू, बात क्लियर है? जरा एक नोट लिखा है यहां, जरा समझ लीजिए. जीबीएमपी इज ऑल्सो नोन एज जीडीबीएमपी. क्या बेटा, जीबीएमपी इज ऑल्सो नोन एज जीडीबीएमपी. बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हुए आपको कुछ चीजें बतानी चाहूंगा, पहले उनको सुन लो फिर आगे बढ़ता हूं. सबसे पहली चीज आपको इसी से, जब आप जीबीएमपी, क्या बेटा, क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हो तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि एनवीए एफसी फाइंड आउट करके दिखाओ. बेटा ये कोई अलग चीज नहीं है, इसका नाम है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. परेशान मत हो, जीबीए एमपी निकाल चुके हो, तीन कन्वर्जन पीछे याद करा चुके हैं, उन्हीं कन्वर्जन से खेल कर आप एनवीए एमपी निकाल लोगे. कैसे निकलेगा जरा देखो, एक बार इसका सॉल्व करते हैं. आप जीबीए एमपी निकाल चुके हैं, है ना, आपको निकालना क्या है, एनबीएमपी. ग्रॉस चाहिए है और नेट निकालना है, तो ग्रॉस माइनस कर दो डेप्ट, तो क्या बन गया एन वीवी सेम ए सैंपल, यहां एमपी और वहां एफसी. तो बेटे इसमें माइनस करते हैं, क्या एफपी माइनस करते हैं जब हम एनआईटी कन्वर्जन याद होंगे तो हम किस पे पहुंच जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे. कोई इश्यू है? देखिए अगला स्टेप क्या कहता है, जीबीए एफसी मतलब क्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाइए. जब बेटा आप जी वी ए एम पी निकाल चुके हो, पहले देखो जी जी सेम वी वी सेम, सिर्फ एफ सी और एमपी का फर्क है. तो मार्केट प्राइस में माइनस कर दोगे अगर एनआईटी तो कहां पहुंच जाओगे, फैक्टर कॉस्ट पे. कोई इश्यू है बेटा? आगे फॉरवर्ड होते हैं, एनबीए एमपी, एनबीए एमपी आप क्या निकाल चुके हो पीछे, जीबीए एमपी. अगर ग्रॉस में से डेप माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है, नेट. बाकी सेम है सब कुछ, कुछ और नहीं करना. कन्वर्जन याद है या नहीं, याद है ना, वेरी गुड, अच्छे बच्चे समझदार, नोट करिए इसको, फिर आगे फॉरवर्ड होते हैं दूसरी टॉपिक की ओर. चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, जो 2012 में आ चुका है. इसमें आपको कैलकुलेट करना है एनबीए एमपी सिर्फ, पर मैंने दो चीजें और एडअप कर दी कि ये दोनों भी आप लोग अभी निकालनी सीख लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले निकालना है एनबीए एमपी. क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस.
कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली चीज वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकालते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहां पर सेल तो दी नहीं है आपको, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी है, यानी कि पी इंटू क्यू का फॉर्मूला लगाओगे 9000 × 4000 = 36000। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। इसके बाद निकालो बेटा जी बी ए एम पी। एक बात दिमाग में रख लो, वो कुछ भी मानता है, क्या बोलो, एनीथिंग। आपको पहले वैल्यू एडेड मेथड में आंख बंद करके कैलकुलेट करना है, वो है जीबीए एमपीएलसी का दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एमपी। बहुत बढ़िया, समझदार। देखिए जीबीए एमपी का फॉर्मूला है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकाल चुके हो 36000, यहां पर आपका इंटरमीडिएट गुड्स कितना है, साफ साफ दिया गया 15000, कोई दिक्कत नहीं, माइनस करो 21000, कोई इश्यू है बच्चा, ठीक, आगे बढ़ो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, निकालना क्या है, एन वी ए एम पी, एन वी ए एम पी आप क्या निकाल चुके हो, जी बी ए एम पी। कन्वर्जन करना है, जो पहली वीडियो से लेके सेकेंड वीडियो तक आप रट चुके हो, सुन लो, ग्रॉस है ये नेट है, यानी कि ग्रॉस माइनस डेप्थ, ग्रॉस में माइनस कर देंगे अगर डेप्थ तो क्या निकलेगा, एन। बाकी ये सभी चीजें एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 21000 माइनस डेप्थ कितना है भाई, 2000। 21000 में 2000 माइनस कितना बचा, 19000। ये आपका आ गया एनवीए एमपी। इसके बाद आपको अगली चीज निकालनी है एनवीए एनवीएफसी, क्या एन, और आप निकाल चुके हो एनबीए एमपी, यानी कि बेटा सब कुछ सेम है, बस ये मार्केट पे है, ये फैक्टर कॉस्ट पे है। फैक्टर कॉस्ट निकालना हो अगर तो मार्केट में माइनस करो एनआईटी, जब बेटा एनआईटी माइनस करेंगे तो क्या निकल रहा है, एनआईटी आपको देखो 6000 − 1000 = 5000 दिया गया है, यानी कि 19000 में 5000 माइनस करो कितना आएगा, 14000, कोई इश्यू बच्चा, ठीक है। आगे देखो, अब आपको क्या निकालना है, जीबीएफसी, क्या जीबीएफसी, इसका देखिएगा जीबीएफसी, आप क्या निकाल चुके हो, एनबीएफसी निकल गया है ना, एनबीएफसी बेटे कन्वर्जन करना है, सिर्फ नेट में प्लस कर दो डेप्थ, नेट प्लस डेप्थ तो क्या बनेगा ग्रॉस, बाकी सब सेम है, यानी कि 14000 प्लस डेप कितना था 2000 = 16000। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आपको कैलकुलेट करना है जीबीएमपी, है ना, हाँ। तो फॉर्मूला सबसे पहले जीबीएमपी में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो बेटा, दो फॉर्मूले हैं, प्राइस और क्वांटिटी, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। तो हम सेल्स और चेंज इन स्टॉक वाला यूज करेंगे क्योंकि यहां पर हमको सेल्स गिवन है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पर बेटा एक बार पढ़ के देखो ये क्या है, सेल इन डोमेस्टिक मार्केट, और यहीं पर ध्यान से देखो तो साथ ही साथ है एक्सपोर्ट, मतलब कि ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की सेल है। एक चीज समझ लो, जब भी आप सेल लोगे, क्या, अगर आप सेल ले रहे हैं तो आप पूरी लोगे, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों, तो यानी कि आप इन दोनों को क्या करोगे, सम अप, है ना, तभी टोटल सेल निकलेगी, यानी कि 250 डोमेस्टिक सेल प्लस 50 एक्सपोर्ट, और फिर आओगे चेंज इन स्टॉक पे, तो चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 30 − 20, कोई इश्यू है बच्चा, कितना होगा ये 300 + 10, यानी कि 310, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको निकालना है जीबीए एमपी, क्या बच्चा, जीबीए एमपी, जीबीए एमपी का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहां पर क्या आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आप निकाल चुके हो, है ना, पर क्या यहां पर आपको इंटरमीडिएट गुड्स दी है क्या, नहीं, पर ये दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपको शुरू करने के समय, ये वीडियो जब शुरू करी थी तभी मैंने आपसे कहा था कि रॉ मटेरियल का मतलब ही इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि
आउटपुट नीड इनपुट, जो भी इनपुट आप डालते हो वो इंटरमीडिएट होता है, यानी के रॉ मटेरियल हमारा इनपुट है और इससे हम फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। पर यहाँ पर एक और चीज दी गई है, जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ दिमाग नहीं दौड़ाया तो गारंटेड क्वेश्चन गलत करके आओगे। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट दिया था तो आपने एक्सपोर्ट भी लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये परचेज है तो इसमें इंपोर्ट भी लेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ आपको क्लियरली मेंशन है कि ये सिर्फ सेल डोमेस्टिक मार्केट की है, पर क्या यहाँ कहीं मेंशन है कि ये परचेज सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से? नहीं। इट मींस कि इसमें ये चीज इंक्लूड पहले से ही हो चुकी है। क्या बोल रहा हूँ, इंपोर्ट परचेज में पहले से इंक्लूडेड है। पर अगर यहाँ होता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट तो बेटा आप उसमें इंपोर्ट एडअप करते। वेरी गुड। देखिए आगे, माइनस इंटरमीडिएट कितना खाली 150। अच्छा पार्टी माइनस करो कितना आएगा 160। आंसर प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटो आज तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आज। जी हाँ, हम लोग तीन क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिएगा, सबसे पहली चीज कि आपने दो आसान तरीके के क्वेश्चन कर लिए, कभी कभी आपको घुमाने के लिए, क्या कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि ना जीबीएमपी निकालना है ना एनबीएमपी निकालना है, तो निकालना क्या है भाई साहब? आपसे पूछेगा निकालो सेल, या इसके लिए हो सकता है निकालो इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो कैसे होगा? डरना नहीं, आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि सेल का यूज होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूले में। इसमें बेटा ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना। जरा देखो कैसे, आपको क्या दिया गया है, एनबीएफसी दिया गया है ना? हाँ सर। तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट गिवन है, यानी कि तुम निकाल सकते हो या नहीं जीबीएमपी, जो बेसिक चीज तुम वैल्यू एडेड मेथड में निकालते आ रहे हो। हाँ निकाल सकते हैं, कन्वर्जन के थ्रू लिखो एनबीएफसी, यानी कि नेट है और यहां ग्रॉस चाहिए, तो नेट में जोड़ते हैं हम डेप को। VA BA सेम है पर मार्केट प्राइस एफसी, यानी कि प्लस हो जाएगा एफसी प्लस, इधर जाके माइनस होता है एनआईटी, यानी कि माइनस ही इधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि एनआईटी ऐड हो जाएगा। देखिए एनबीएमपी कितना है 560, इसमें ऐड अप करो डेप कितना है 60 और ऐड अप करो एनआईटी, एनआईटी भैया सब्सिडीज नील है, यानी कि अल्टीमेटली एनआईटी भी कितना हो गया 60, टोटल कर आपका कितना आया 680। एनी डाउट? नो सर। अब देखिए आप, तो जीबीएमपी हम निकाल चुके हैं, इसका फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स होता है या नहीं, और आप सभी को पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल माइनस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, है ना? जब ये चीज आपको पता है तो यहां क्या हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस में रहेगा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बच्चा, आगे देखो जीबीएमपी, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। देखो जीबीएमपी की वैल्यू कितनी है 680, सेल को हमने मान लिया x, चेंज इन स्टॉक सर प्लस नहीं माइनस में दिया है 38, सो के माइनस का एनआईटी भी है कितना 1000, ये माइनस की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस में, यानी कि 680 प्लस 1000 प्लस 30 इज इक्वल टू x, अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी है 1680 प्लस 30 यानी कि 1710, सो 1710 आपकी क्या निकल के आ गई बेटा सेल्स। नोट डाउन कर लीजिए इसको। टुडे वी आर फिनिश आवर थर्ड मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड। अब बेटा इस चैप्टर यानी कि नेशनल इनकम की सिर्फ एक और वीडियो आनी है जिसमें हम लोग चैप्टर की पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। क्या बेटा? चैप्टर की पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी तक अगर आपको कोई डाउट रहा हो, जो चीज ना क्लियर हुई हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है panditcommercesclasses@gmail.com, आप उस पर मेल कर लीजिए, मैं आपके पूरे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बेटा
हम लोग तीन वीडियो खत्म कर चुके हैं. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग स्टडी विद अस. सो इफ यू आर लाइक आवर चैनल आवर वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.